नमस्कार, मैं डॉक्टर लीना चौहान, फैमिली थेरेपिस्ट एंड लाइफ कोच, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपके परिवार को कोरोना मुक्त रखने के साथ साथ उन सभी भ्रांतियों के जाल से भी बाहर निकालना है जो आजकल काफी चल रहा है। देखिए, हमारे देश में अलग अलग चिकित्सा पद्धति है, जैसे एलोपैथ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, और भी कई तरीके की चिकित्सा पद्धति है। और आजकल तो ये जब से ये कोविड का हुआ है ना, तो बहुत सारे लोग अपने आप से ही अलग से नई नई बातें बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीजें, आप बस अपना मोबाइल हाथ में ले लीजिए और यूट्यूब पे जाएं, कहीं भी जाएं, ट्विटर जाएं, यूट्यूब जाएं, किसी भी जगह मीडिया पे देखें, आप बहुत सारे इलाज आपको रेडी टू हैंड मिल रहे हैं। अब क्या करें और क्या ना करें? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव है और अगर उसको ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है और लगातार गिर रहा है, प्लीज 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 उस समय ना तो उसे काउंसलिंग की जरूरत है, मैं खुद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूं फिर भी बोल रही हूं कि उस समय उसे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, ना उसको होम्योपैथ आयुर्वेद की जरूरत है, सीधे उसको हॉस्पिटल लेकर जाइए, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। बहुत सारे लोग बीच में अभी जब ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो रही थी ना, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन, ये होम्योपैथ मेडिसिन है, आप इसको ले लीजिए तो 70 भी ऑक्सीजन होगी तो एकदम 95 हो जाएगी, दो घंटे के अंदर ऑक्सीजन 95 हो जाएगी। ऐसी कोई होम्योपैथ दवा नहीं है संसार में जो आपकी ऑक्सीजन को एकदम से 70 से 95 कर दे। उस वक्त आपको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्ट की ही जरूरत है। अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है, उसकी सिचुएशन कंट्रोल में है, तो आप उसे आयुर्वेद ट्राई कर सकते हैं, होम्योपैथ भी दे सकते हैं। अपने आम जीवन में हम काढ़ा पिए, हम होम्योपैथ मेडिसिन भी ले सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो कोविड हम तक आए ही नहीं, वो वायरस हमारी बॉडी में आए ही नहीं। हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क हम पहन कर रहें, ये सारी चीजें तो हमें करनी ही है ना, कोविड के नियमों का पालन तो करना ही है। लेकिन जहां प्रॉब्लम हो रही है वहां ये कि इतने सारे ट्रीटमेंट, इतनी सारी सलाहें दी जा रही हैं लगातार कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। तो इन सब चीजों से बाहर निकलिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है सीधे एलोपैथ में जाइए, लेकिन अपनी आम जिंदगी में आयुर्वेद बहुत अच्छा है, योगा बहुत अच्छा है, मेडिटेशन बहुत अच्छा है। आप सात्विक आहार लेंगे तो उससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और सारा खेल इस चीज का है फ्रेंड्स कि अगर खुशकिस्मती से कोविड आप तक पहुंचा नहीं है तो अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाइए, हेल्दी बनाइए, कोविड से दूर रहिए। और अगर कोविड आप तक आकर के जा चुका है तब भी अपनी जीवन शैली को हेल्दी बनाइए और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, सबसे जरूरी बात यह है। और कभी भी कंफ्यूज ना हो कि ये मेडिसिन, ये चिकित्सा पद्धति, सभी चिकित्सा पद्धति अच्छी हैं, सिर्फ आपको ये समझने की जरूरत है किस वक्त कौन सी, तभी तो आएगी ना हार्मनी हमारे परिवार में, फॉर एवर तालमेल उम्र भर। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपका परिवार रहे सदाबहार। नमस्कार।